अभी मैं मेरे होटल के बगल में ही एक रेस्टोरेंट में आया है। यहाँ पे गुजराती थाली 120 रुपए का मिली, अभी मैं बैठा हूँ, मुझे खाना देगा, देखते हैं कि क्या खाने में आएंगे। ये है, नाम बताइए। बजरंग, ये बजरंग जी है, यही खाना दे रहा है, तो अभी देखते हैं कि खाना कैसा है। ये थाली है 120 रुपए की, और साथ में ये चटनी सलाद सब है, साथ में ये चटनी है। अभी मैं एक ऑटो में बैठ गया हूँ और जा रहा हूँ स्वामीनारायण मंदिर। मेरे होटल के सामने से ऑटो मैंने खाया था, 50 रुपए लिया, मेरे को स्वामीनारायण मंदिर छोड़ देंगे। अभी मैं पहुंच गया भद्रकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि द्वारका में है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर एकदम समुंदर के बीचों बीच है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। भटकेश्वर महादेव जी का दर्शन हो गया, बहुत ही सुंदर है ये समुंदर के बीचों बीच शिव जी का ये मंदिर, और समुंदर का लहर भी यहाँ पे बहुत ही तेज है। यहाँ पे मैं बहुत टाइम कर दूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरा साइड सीन पे। के जिस ऑटो वाले भैया से हम लोग द्वारका स्टेशन से होटल तक आए थे, उसी भैया को कॉल कर लिया, उसका नंबर था मेरा, और वो मेरे फैमिली वाले को होटल से पिकअप करके भटकेश्वर महादेव सिटी के मंदिर पे लेके आ गया। मैं वहाँ पे वेट कर रहा था, तो अभी भटकेश्वर से हम लोग सब दर्शन करके निकल गए। अभी हम लोग का ये दूसरा स्पॉट है गायत्री माता मंदिर, ये इधर आके इधर हम लोग का ऑटो रुका, साइड में ये सी बीच है, इधर आगे कुछ एयर प्लांट दिखाई दे रहा है।
अभी मैं हूँ सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। यह है सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर। काफी पुराना मंदिर है। अभी मैं हूँ गुजरात के स्वामीनारायण मंदिर पे, जो कि द्वारका में है। ये है स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर का दर्शन हो गया। अभी हम लोग चलेंगे द्वारकाधीश टेम्पल में। मेरा तो द्वारकाधीश जी का दर्शन हो गया। अभी फैमिली वाले को नहीं, एक और स्पॉट बाकी था, त्रिलोक आर्ट गैलरी। तो जब हम लोग आए, देखते हैं आर्ट गैलरी में क्या क्या है, अगर फोटो खींचना देता है तो हम लोगों को दिखाएंगे। ये आर्ट गैलरी है।